हेलो नमस्कार वंदे मातरम, आप सभी का गुड्डू शर्मा गुरु में स्वागत है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो प्रश्न आप अपने सामने देख रहे हो, ये प्रश्न जो है 2019, 2020, 2023 में पूछा गया प्रश्न है। और समझो कि ये प्रश्न इतना इम्पॉर्टेंट है कि क्या बताएं हम, पेपर के ही इस समय जो है क्वेश्चन हम बना रहे हैं, जो पेपर में आ रहे हैं, बाकी क्वेश्चनों को नहीं लगा रहा हूँ कि ऐसे वाले के लगाते रहें, वही क्वेश्चन बना रहा हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर 12 के स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छे से इसको देखिए। और इस समय पुलिस का भी जो है हम बना रहे हैं, इसका जो है उसके भी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो अपने दोस्तों में उस वाले वीडियो को भी जो है भेजिएगा और इसको भी अपने दोस्तों में भेजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अपने दोस्तों में, जैसे कि आपके पास में व्हाट्सअप है तो उस पर जो है कई ग्रुपों में आप इसको डालिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है विस्तार हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर, देखिए क्या लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पर ये सवाल है और इसके बराबर ये प्रोपन है। देखो दोनों सवाल एक ही है, बस केवल ये थीटा के फॉर्म में है, ये एक्स के फॉर्म में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इसको लगाओ चाहे इसको लगाओ, दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, पहले तो लेट करेंगे, लेट आई इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से पाई बाई फोर लिखोगे, और यहाँ पर देखिए क्या लिखोगे, साइन टू थीटा डी थीटा, ठीक, ये लिख दिया। अब स्टूडेंट हमको क्या करना है, यहाँ पर डट 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 क्या लिखा है, लॉग भी है ना आगे, ठीक है। अब डट 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 वन इसको लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए जब वन लिख देते हैं तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक चलने लगता है, अरे भाई आप सीधी सी बात समझो कि ऑटोमेटिक ये चलने लगता है कि प्रॉपर्टी नंबर फोर लगाने वाले हैं गुरुजी, बिल्कुल वही लगाएंगे भाई। कारण क्या है कि प्रॉपर्टी नंबर जब तक फोर नहीं लगाएंगे तब तक ये आगे सॉल्व नहीं होगा। फोर लगाने से फ़ायदा ये होगा कि ये देखिए ये कास में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे तो साइन कास को जब हम इंटू कर देंगे तो अब अगला काम होता चला जाएगा। और हमने आपको एक चीज़ और भी सिखा रखा हूँ, कभी भी जीरो से समथिंग कुछ लिखा हो तो प्रॉपर्टी आँख मूंद करके प्रॉपर्टी नंबर फोर वहाँ पर लगा ही दीजिए, 99% जो है केसेज आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यही काम करने चल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे यूज प्रॉपर्टी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ लिखोगे यूज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर फोर। और जैसा कि आपको जानकारी है प्रॉपर्टी नंबर फोर होता क्या है, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, जीरो से ए जीरो है ये, ठीक है, ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर फोर होता है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट क्या हुआ कि अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ दिया गया है, जोड़ने के बाद चूंकि ये एक्स के रिस्पेक्ट में है इसीलिए एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। तो ए में जीरो जोड़ोगे तो ए आएगा, ए में से एक्स घटाओगे तो ए माइनस एक्स आ जाएगा, बस इस फंक्शन में एक्स की जगह पर देखिए रख दिया गया है। वही काम स्टूडेंट यहाँ भी करना है हमको। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, I इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट क्या है, जीरो है पाई बाई फोर है। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो जब जोड़ेंगे स्टूडेंट तो जीरो देखिए पाई बाई कितना है, फोर है, प्लस जीरो जुड़ गया। अब चूंकि ये किसके फॉर्म में है, देखो ये थीटा के फॉर्म में है हमारा क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे इसमें से थीटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कुल मिला के आ जाएगा पाई बाई टू वो पाई बाई फोर माइनस थीटा गया। और जहाँ जहाँ थीटा मिलेगा इसमें वहाँ पर हम क्या रखेंगे, पाई बाई फोर रखेंगे, कहाँ पर, फंक्शन में। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका हो जाएगा लॉग, यहाँ आएगा साइन टू लिखा है और थीटा की जगह आप रखोगे पाई बाई फोर माइनस क्या थीटा रखोगे, बाकी तो स्टूडेंट यहाँ डी थीटा ही है। इसके पश्चात देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, जीरो पाई बाई फोर, ठीक है, लॉग यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखा है साइन और इसको अंदर ले जाएंगे स्टूडेंट तो हो जाएगा टू पाई बाई फोर माइनस टू थीटा डी थीटा आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, इसको और थोड़ा सा चाहें तो और अच्छे से लिख लें, जीरो से पाई बाई फोर है स्टूडेंट यहाँ पर, यहाँ लिखा लॉग साइन और स्टूडेंट इसको हम थोड़ा सा काटना चाहें तो आ जाएगा पाई बाई टू और माइनस टू थीटा डी थीटा आ गया स्टूडेंट। और जैसा कि एक चीज़ आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें,
तो एक काम हो सकता है स्टूडेंट, काम क्या हो सकता है, देखो स्टूडेंट यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या था भाई, ये आई बराबर था ना, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से पाई बाई फोर है स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा ये लिखा है लॉग, ठीक है स्टूडेंट। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, साइन 90 माइनस थीटा 2 थीटा है, तो ये कास 2 थीटा बन जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है स्टूडेंट देखो, क्योंकि क्या होता है कहीं लिखा हो साइन 90 माइनस थीटा तो स्टूडेंट कास थीटा हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ थीटा है तो कास 2 थीटा हो गया, इसी प्रकार से यहाँ हमारे में 2 थीटा है, अगर इसी प्रकार से अगर यहाँ लिखा हो साइन 90 को ऐसे पाई बाई 2 भी लिखते हैं स्टूडेंट, माइनस थीटा अगर लिखा है तो इसको हम 2 थीटा लिखा है ना स्टूडेंट, यहाँ पर क्या लिखा है 2 थीटा, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन 2 थीटा लिख सकते हो ना, तो वही चीज़ है, इसको मिटा देता हूँ, इसका कोई यहाँ पर बहरहाल यूज नहीं है, ठीक है, समझाने के लिए ऐसा कर दिया हमने। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन है और 90 माइनस 2 थीटा है, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा कास 2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर डी थीटा है। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक बातें अच्छे समझ में आ गई। और इसके बाद स्टूडेंट हम इसको बना लेंगे 2 नंबर। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ऐड क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, एक और दो को ऐड करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए एक कौन है, यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, और दोनों का लेफ्ट हैंड साइड पहले जोड़ो, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या आएगा 2i, और यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड क्या है स्टूडेंट, जीरो से पाई बाई फोर है, और लॉग यहाँ पर साइन 2 थीटा है, डी थीटा है ना स्टूडेंट, और प्लस इसमें देखिए क्या है, इसमें राइट हैंड में क्या है, जीरो से पाई बाई फोर है स्टूडेंट, और यहाँ लॉग, और यहाँ पर लिखा है कास 2 थीटा लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पर डी थीटा है। तो स्टूडेंट ये हो गया। अब एक काम करिए स्टूडेंट, यहाँ पर सब कुछ तो ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, लॉग साइन 2 थीटा प्लस लॉग कास 2 थीटा, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया, और यहाँ पर है डी थीटा। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 2i = 0 से पाई बाई 4 है। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बन सकता है भाई, लॉग देखिए लॉग साइन 2 थीटा प्लस लॉग कास 2 थीटा, तो हम इसको देखिए दोनों प्लस में है, तो स्टूडेंट नियम क्या कहता है कि इसको आप इनटू में भी कर सकते हो, कि यहाँ 2 थीटा इनटू कास 2 थीटा लिख सकते हैं ना इस चीज़ को, क्योंकि फार्मूला है, सूत्र कहो लिख दें यहाँ पर, लॉ होता नहीं है कि लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एन बराबर क्या होता है, लॉग एम एन होता है ना स्टूडेंट, तो ये फार्मूला है, क्या ये फॉर्मूला है, ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पर लगा दिया गया। अब स्टूडेंट अगले वाले स्टेप पे देखिए क्या कर सकते हैं हम इसमें, देखिए जीरो से पाई बाई फोर तो है ही है, अब स्टूडेंट यहाँ पर मैंने लिखा लॉग, और देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन 2 थीटा और कास 2 थीटा, और 2 से मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक, बाकी 2 बाकी ये तो है ही है। अब स्टूडेंट देखिए इससे फ़ायदा आपका क्या होने वाला है, इसको भी हम थोड़ा समझते हैं। देखिए 0 से पाई बाई यहाँ पर क्या लिखा है, 4 लिखा है स्टूडेंट ना, और यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग, और ये ऊपर वाला साइन, देखिए साइन देखिए 2 थीटा है तो कितना हो जाएगा, साइन 4 थीटा का फार्मूला हो गया, और नीचे कितना हो गया स्टूडेंट, 2 हो गया, ठीक है, ये बन गया हमारा। अच्छा एक चीज़, चलिए इतनी बातें तो हमारे और आपके समझ में आ गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 थीटा था इसलिए 4 हो गया ये, ठीक, क्योंकि आपको पता है कि एक सूत्र होता है, यहाँ लिख देता हूँ इसे, कहीं लिखा हो 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, तो होता है वो साइन 2 थीटा का फार्मूला। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ 2 थीटा, मतलब इसका दुगुना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, इसी तरह यहाँ 2 था तो इसका 2 का दुगुना करेंगे तो 2 जा 4 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 4 थीटा हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, जिसे 2i लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, 0 से पाई बाई 4 लिखा है। देखिए लॉग एम अपान एन का एक फार्मूला होता है, उसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ जाते हैं, क्या है लॉग एम बटे एन कहीं लिखा हो ये फार्मूला है, तो क्या होता है बटे में रहता है, तो स्टूडेंट हम क्या लिखते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन लिख देते हैं स्टूडेंट, तो बिल्कुल यही फार्मूला यहाँ पर लगा दीजिए, तो क्या लगाऊंगा लॉग एम, एम की जगह क्या है साइन 4 थीटा, ठीक है, और माइनस लॉग 2 आ जाएगा, कि नहीं इतना लॉग साइन 4 थीटा
और एम की जगह पे है ना ये चूंकि, और एन की जगह क्या है टू है, तो लॉग टू हो गया। अब ये देखिए आप यहाँ पर ब्रेकर लगा दोगे स्टूडेंट, अब इस ब्रेकर को हम क्या करेंगे तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, ब्रेक द ब्रेकर, ठीक। तो यहाँ पर क्या जाएगा टू आई आ जाएगा। अब ब्रेकर को जब ऑफ करेंगे तो यहाँ पर तो पाई बाई फोर ही है, यहाँ पर आ गया लॉग साइन फोर थीटा, पीछे से डी थीटा लग गया कि नहीं। और यहाँ पर देखिए इसको करेंगे तो क्या आएगा, इस टू को बाहर कर लो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो एक्स है नहीं तो कांस्टेंट में इसकी गिनती हो जाएगी। तो जीरो से पाई बाई फोर, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या आ जाएगा वन, यहाँ पर आ गया डी थीटा आ गया। तो ये चीज़ आपका बनता चला गया। अब इसके पश्चात देखिए हम लोग करेंगे क्या स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसको जो है आप चाहो तो इसको साइन टू थीटा को फोर थीटा को, आप चाहो तो इसको एक काम कर सकते हैं, उसको देखिए समझ में आए तो बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगा टू आई लिखा हमने, ठीक है, ये जीरो से पाई बाई फोर है, और स्टूडेंट इस जो लिखा हुआ है फोर थीटा, इसको मैं चाहूँ तो क्या लिख दूँ टू इंटू टू थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं, और यहाँ बाकी डी थीटा ही है, माइनस लॉग टू है, वन का इंटीग्रेशन जो होता है स्टूडेंट क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो थीटा हो जाएगा, और नीचे लोअर लिमिट लिखा जाएगा ऊपर अपर लिमिट लिखा जाएगा। अच्छा एक चीज़ और भी आप समझिएगा ज़रा कि अगर वन है तो वन का वन एक्स हो गया, वन थीटा हो गया, और दो अगर होता है तो क्या होता टू थीटा हो जाता, तीन होता तो थ्री थीटा हो जाता, फोर होता तो फोर थीटा हो जाता, समझ में आ रहा है नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, तैयार रखना पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए टू आई तो यहाँ पर लिखा है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, और एक काम कर लेते हैं इसी जगह से, चलो एक काम करते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा इसी जगह से, बहुत ज़्यादा बड़ा ताकि ना होने पाए। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको एक नंबर बना लेते हैं, कहीं माने तो नहीं, एक नंबर दो नंबर हो चुका है, इसको मैं थ्री नंबर बना लिया हूँ, ठीक है स्टूडेंट, ठीक। अब यहीं से देखिए इसको मैं टी मान लूँ, तो टी मानने से हमारा कुछ फ़ायदा होने वाला है, देखिए हमेशा टी मान लेना चाहिए। तो यहाँ पर लेट करेंगे स्टूडेंट, क्या लेट करेंगे कि टू थीटा इज़क्वल टू टी, और किसी भी चीज़ को हम जब टी मानते हैं तो स्टूडेंट उसका क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे थीटा करेंगे, क्यों करेंगे क्योंकि ये हमारा जो फंक्शन है वो थीटा के फॉर्म में है, इसलिए हमको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये टू लिखा है थीटा के जब करेंगे तो भाई इसके सामने लिखना पड़ेगा ना डी अपान डी थीटा, और यहाँ पर थीटा ही है, अब यहाँ जैसे डी अपान डी थीटा, ठीक है, यहाँ पर टी लिखा हुआ है, अब थीटा का तमन हो जाएगा तो यहाँ टू बचेगा, और यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा क्या होगा डी टी अपान डी थीटा हो गया। अब इसको इधर लेके चले आओ तो क्या हो जाएगा टू डी थीटा बराबर डी टी आ गया कि नहीं स्टूडेंट। अब एक चीज़ और देखिए, इस चीज़ को चाहें तो इधर लेके चले जाएं तो डी थीटा इक्वल टू क्या आएगा वन अपान टू डी टी कि नहीं, आप इस तरह भी लिख सकते हो। तो एक चीज़ तो तुम्हारा यहाँ तक काम हो चुका है, ठीक बच्चों, तो आपका ये काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट अगला काम हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ ताकि आप जान लो कि कौन किधर है, ठीक है। इसमें भी ध्यान दीजिएगा, ये गया ठीक सीधा, ठीक स्टूडेंट ऐसे है। तो अब स्टूडेंट इसके बाद देखिए हम लोग अब क्या करते हैं, अब जब हमने क्या किया अब लिमिट के लिए काम करेंगे। लिमिट आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जब भी हम टी मानते हैं और उसका डिफ्रेंशिएशन कर दे तो लिमिट भी चेंज कर दिया जाता है, कर देना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं करोगे तो आंसर नहीं है आ जाता है, लेकिन जब लिमिट चेंज कर दोगे तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो चेंज क्या करो मेरा यही तो मैं तो यही कहूँगा, ठीक है, जैसा कि मैं चेंज करके ही लगाता हूँ, ये सबसे आसान होता है, उसमें रॉन्ग हो जाता है बड़ा भी हो जाता है तो उसको बिल्कुल आप निगलेक्ट करिए, इसको आप जो है पकड़िए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वेन क्या लिखोगे, वेन थीटा इज इक्वल टू लोअर लिमिट क्या है जीरो है, जब थीटा की वैल्यू जीरो है देन तब हम किसकी वैल्यू चाहिए मुझे टी की चाहिए, तो टी बराबर क्या होगा टी बराबर इसमें रखेंगे जो लेट किया होते हैं उसमें रखते हैं, तो टू इंटू जीरो अर्थात जीरो हो गया। अगला नंबर समझते हैं, अब आगे समझो भाई अगला नंबर क्या है इसमें, ठीक है ध्यान दीजिएगा, वेन थीटा की वैल्यू अर्थात अपर लिमिट, अब देखेंगे अपर लिमिट यहाँ पर पाई बाई फोर है ना इसमें, तो यहाँ पर पाई बाई फोर लिखेंगे अपर लिमिट, देन टी बराबर कितना हो जाएगा टू इंटू थीटा की जगह पाई बाई फोर कटेगा तो पाई बाई टू आ गया, अर्थात क्या हुआ कि जब हमारा लोअर लिमिट जीरो था तो फिर अब
नया लिमिट भी जीरो आया, और जो देखिए थीटा की वैल्यू हमारा पाई बाई फोर था, तो नई जो वैल्यू आई वो पाई बाई टू हो गया, ये चेंज हो गया। तो चलिए अब यहाँ पर इसको रखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। इसलिए क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर यहाँ रखेंगे ना इस वाले में, तो क्या आ जाएगा, टू आई इक्वल टू, अब नया यहाँ पर क्या हो गया, जीरो से यहाँ पर आ गया पाई बाई टू आ गया कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या आता है, लॉग, ठीक है, लॉग यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, लॉग साइन और टू टी हो गया, और यहाँ पर इसको हमने डी टी माना, लेकिन यहाँ पर समझो डी टी की वैल्यू क्या है, वन अपॉन टू, तो वन अपॉन टू को आगे लिख दिया, इसीलिए क्लियर हो गया, नहीं हो गया भाई। देखिए हमने टू थीटा को टी माना था तो टी लिख दिया, बाकी जो यहाँ पर लिखा था डी थीटा उसकी जगह पे टू वन अपॉन टू डी टी आया, वन अपॉन टू आगे लगा दिया, डी टी यहाँ पर हो गया। अब माइनस क्या लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइनस में लिखा हुआ है लॉग, क्या लिखा है, लॉग टू, और आपने अब इसको रखना है, अब पहले अपर लिमिट रखो थीटा की जगह, तो अपर लिमिट जब रखोगे तो अपर लिमिट तो हमारा पाई बाई फोर है, तो मैंने पाई बाई फोर रखा, और फिर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, जीरो है, तो इसको रख दिया। अब स्टूडेंट चलिए यहाँ तक तो हमारा काम अच्छे से हो चुका है, कोई यहाँ पर समस्या की बात नहीं है। एक चीज़ देखो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर हम क्या लगाएंगे, सिक्स लगाएंगे, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स। प्रॉपर्टी नंबर सिक्स में क्या होता है स्टूडेंट, अपर लिमिट को टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और आगे जो है टू से क्या कर देते हैं बताओ, टू से आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए टू आई जैसे लिखा है, अब देखिए वन अपॉन टू भी लिखा है, और इंटीग्रेशन है, तो अपर लिमिट जिसे पाई बाई फोर है, पाई बाई टू है, ठीक। अब जब इसको टू से डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे वन है, तो पाई बाई टू और इनटू ये प्लस जाएगा तो वन अपॉन टू अर्थात पाई बाई फोर हो गया, अर्थात अगर पाई बाई टू को टू से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई फोर हो गया। अब ठीक, अब आप कहोगे कि सर ऐसा आप क्यों कर रहे हो, देखिए लिमिट चेंज बराबर करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे भर में जो हमने लेट किया था आई बराबर उसका लिमिट, देखिए अपर लिमिट पाई बाई फोर था तो हमारा यहाँ पर पाई बाई टू हो गया। मुझे दरअसल में ये जो कुछ यहाँ पर लिखा है मैं चाहता हूँ कि ये बन जाए, जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है मतलब जीरो से पाई बाई फोर लॉग साइन टू थीटा डी थीटा बन जाए, ये बनाने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ तो पाई बाई टू है भाई, तो इसको पाई बाई फोर कैसे बनाया जाए, तो देखा कि अगर प्रॉपर्टी नंबर सिक्स लगा देंगे तो यहाँ हो सकता है, ठीक है, और ये होल्ड भी कर रहा है इस पे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ करके अगर उसमें से टी को सब्ट्रैक्ट करके इसमें मतलब टी की जगह वैल्यू रख दिया जाए तो वो वैल्यू वही दे देता है। तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी नंबर सिक्स में ये वाला प्रॉपर्टी जो हम कर रहे हैं अपर लिमिट को टू से डिवाइड और आगे टू से मल्टीप्लाई, इसको वो होल्ड कर रहा है। तो देखिए हमने अपर लिमिट में टू से जो है डिवाइड तो कर दिया, आगे टू से फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, ठीक, इतना काम हो गया। अब इससे फायदा क्या हुआ, आप खुद अपने आप से देखो, इससे फायदा ये हुआ, अच्छा यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर पाई बाई टू और यहाँ लॉग टू आ गया, पाई बाई टू नहीं ना पाई बाई फोर है ये, पाई बाई फोर और लॉग टू आ गया, ठीक है, इससे ये टू से टू भी कैंसिल हो गया, अब टू आई हो गया, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट जीरो से पाई बाई फोर और यहाँ लॉग साइन टू टी आ गया, और माइनस का तो पाई बाई फोर है ही है, लॉग टू भी लिखा हुआ है। अब यहाँ तक तो चलिए ठीक है, लेकिन स्टूडेंट एक चीज़ आपने और भी पढ़ा इसमें, क्या पढ़ा है कि आपने ये पढ़ा है कि कहीं पर भी प्रॉपर्टी पढ़ा आपने, प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है, प्रॉपर्टी क्या पढ़ा है कि कहीं पर लिखा हो, जैसे लिखा है ए से बी लिखा हो, एफ एक्स डी एक्स लिखा है, ठीक, तो आप चाहो तो एक्स के फॉर्म में है ना इसको, आप चाहो तो इसको थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, एफ एफ टी डी टी या एफ थीटा डी थीटा, आप ऐसे इसको किसी में फॉर्म में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपकी ये प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है, कहीं कहीं किसी बुक में प्रॉपर्टी नंबर एक ही ये दिया हुआ है, कहीं कहीं दो दिया है, ठीक है, तो ये चीज़ है, इसीलिए प्रॉपर्टी लिख भी दिया हूँ। तो चलिए यहाँ पर कोई बात नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ था इसलिए आपको इस बता दिया गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉपर्टी लगा करके हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो गया टू आई इक्वल टू, यहाँ पर देखिए जीरो से यहाँ पर पाई बाई फोर था, अब देखिए टी के फॉर्म में, यहाँ डी टी भूल गया हूँ लिखना, यहाँ डी टी होगा, देखिए टी के फॉर्म में है तो हम इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं, लॉग साइन, इसको लिख देंगे टू थीटा डी थीटा भी लिख सकते हैं ना बच्चा, क्यों लिख सकते हैं बताओ,
अच्छा एक चीज़ बताओ कि यहाँ टूटी डीटी था, हमने इसको ऐसा क्यों किया? मैं तो आपको पहले बता रहा हूँ कि मुझे ये बनाना है, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो मैं इसके इसको बनाने की कोशिश में लगा हूँ। तो देखिए ये चीज़ बन गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए टी के फॉर्म में था, मुझे थीटा के फॉर्म में यहाँ पर लाना था ताकि हमको क्या मिल जाए, इसकी जगह पर आई वैल्यू मिल जाए। तो देखिए एकदम मैच कर गया, सेम आ गया ना इसमें। और यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है माइनस पाई बाई फोर लॉग टू लिखा है, तो बिल्कुल वही लिखा। और इसकी जगह पे देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, अब यहाँ पर टू आई तो आई है, अब ये वैल्यू किसकी है, देखो इसकी हो गई, मैच कर गई ना इसकी, तो इसकी जगह पे हम आई लिख सकते हैं, देखो वही चीज़ है। तो आई लिख दिया यहाँ पर माइनस पाई बाई फोर, यहाँ पर लॉग टू है, ठीक है। इसको जब इधर लाएंगे स्टूडेंट तो टू आई माइनस आई, यहाँ पर माइनस का पाई बाई फोर, यहाँ पर कितना आ जाएगा, लॉग टू आ गया। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट तो यही चीज़ क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, और यहाँ माइनस का पाई बाई फोर, यहाँ पर क्या आ गया, लॉग टू आ गया। और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट देखिए कितना आसान तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएँ और दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करें अपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं और आइए इसी क्रम को बढ़ाते हुए ये क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए स्टूडेंट तीनों क्वेश्चन ये लगभग लगभग जितने पेपर हो रहे हैं आपको ऑलरेडी पता होगा, इसको तो मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन लगभग लगभग ईयर्स में पूछे गए हैं, ठीक है, हमने लिखा नहीं है, ठीक है। आप क्योंकि हम जानते ही हैं कि आपको खुद भी पता है कि ये क्वेश्चन कितनी बार, कितना इम्पॉर्टेंट है, कितनी बार आ चुका है, तो इसको चलो लगाते हैं, देखते हैं। और देखो सबसे खास बात क्या है कि तीनों क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, भाई केवल इसमें यक्स आ गया है, ये थीटा के फॉर्म में है। अरे इस तरह तो टी भी हो सकता है यहाँ पर, तो कुछ भी हो जाए, ठीक है, लेकिन तीनों क्वेश्चन सेम है स्टूडेंट। अब आप कहोगे सर इसमें साइन है मकास है, तो भैया तब भी सेम है क्योंकि इसको जब लगाओगे तो ये मिल जाएगा। अभी दिखाता हूँ लगा के, देखिए सोल्यूशन पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ और सोल्यूशन के बाद यहाँ पर क्या लिखा मैंने, आई लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। और आई लिखने के बाद में देखिए आप पहले वाला उठा लीजिए, चाहे पहला उठाएं चाहे दूसरा, तो पहला उठाता हूँ, ठीक है, ये इसको दिखाता हूँ अभी कैसे सेम है दोनों। ये आपका हो गया पाई बाई टू, यहाँ पर क्या लिखा लॉग, और यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा लिखा है, ठीक है, यही है ना इसमें। और मैं इसको क्वेश्चन नंबर वन बनाता हूँ। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर फोर लगेगा क्योंकि ये जीरो से समथिंग है। अगर जीरो से समथिंग लिखा रहे तो 99 केसेस में आप प्रॉपर्टी नंबर फोर लगा सकते हो और जहाँ तक उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आपका सही ही जाएगा, क्योंकि 1% ऐसा होता है, 1-2% ऐसा होता है जहाँ पर ये मतलब जीरो से समथिंग रहता है लेकिन वहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर फोर हम नहीं लगाते हैं, लेकिन 98% में हम प्रॉपर्टी नंबर फोर ही लगा देते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अब इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर फोर लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये आई तो लिखा ही है, ठीक है, यहाँ पर जीरो से पाई बाई टू लिखा है। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस चीज़ में, देखिए क्या हो जाएगा, एक काम करिए, चलिए तो यहाँ पर हम देखिए प्रॉपर्टी नंबर फोर लगाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फोर क्या होता है, पहले हम इसको लिख दें तो ज़्यादा सही है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, पहले प्रॉपर्टी नंबर फोर लिख देते हैं। प्रॉपर्टी फोर, और प्रॉपर्टी फोर क्या है, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है बताओ, जीरो से ए और क्या होगा, ए माइनस एक्स डी एक्स। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ लेते हैं और ये चूंकि एक्स के फॉर्म में है तो फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जैसे ए में जीरो जोड़ोगे तो ए आएगा, उसमें से एक्स घटा दो तो ए माइनस एक्स आ गया। अब एक्स की जगह पे देखो स्टूडेंट उसको रख दिया गया, यही है प्रॉपर्टी नंबर फोर। तो यहाँ पर अब स्टूडेंट देखिए प्रॉपर्टी नंबर फोर अप्लाई भी करते हैं तो देखिए आई बराबर क्या जाएगा, जीरो से पाई बाई टू लिखा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा जाएगा, लॉग लिखोगे आप, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है, साइन लिखा है, और थीटा की जगह देखिए क्या लिखोगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट जोड़ो तो पहले कितना आएगा, पाई बाई टू आ गया। अब पाई बाई टू से चूंकि थीटा के फॉर्म में है तो पाई बाई टू से थीटा सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस थीटा, तो थीटा की जगह रख दो तो देखिए पाई बाई टू माइनस थीटा, देखिए रख दिया ना इसमें, और यहाँ पर क्या लिखा डी थीटा। अब स्टूडेंट इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद देखिए जीरो से पाई बाई टू यहाँ पर लिखा है। अब स्टूडेंट यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ लिखोगे लिमिट, ठीक है, ओ सॉरी लॉग, और देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट, तो डी थीटा हो गया। तो देखिए ये चीज़ आपको मैच करके, देखो ये मैच करके नहीं कर गया, अगर आप इसको लेकर स्टार्ट करते यहाँ से और फिर प्रॉपर्टी लगाते तो यहाँ पर साइन आ जाता है स्टूडेंट,
समझे कि नहीं समझे? देखिए साइन लेके चला तो देखिए कॉस मिल गया, मिल गई नहीं, जो कि ये है, मिला ना इसमें। और अगर यहाँ पर क्या लेके चलते, कॉस लेके चलते, तो यहाँ क्या मिलता, साइन मिल जाता। जो काम हमने किया यही काम करोगे तो यहाँ साइन मिल जाएगा, ठीक है, जो कि फिर ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो दोनों एक ही जैसा लगेगा, एक ही सवाल ही है, समझो इसको। तो ये हो गया कि कौन सा नंबर हो गया, ये टू नंबर हो गया। अब ये वन नंबर देखिए इसको आई था, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे स्टूडेंट। किसको किसको ऐड करोगे, वन एंड टू, एक और दो को। तो जब ऐड करोगे स्टूडेंट तो यही चीज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आई है, इधर भी आई है, वन और टू को ऐड कर रहे हो ना, तो देखिए यहाँ आई लिखा, यहाँ आई, तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, ये टू आई हो जाएगा ना। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, पहले अपर वाले को लिखो, पहले इसको वन वाले को, तो यहाँ हो जाएगा जीरो, और यहाँ पर पाई बाई टू लॉग, यहाँ पर हो गया साइन थीटा डी थीटा, प्लस दूसरा वाला देखिए क्या स्टूडेंट यहाँ नीचे लिखा है, जीरो से क्या लिखा है, जीरो से पाई बाई टू लॉग कॉस थीटा डी थीटा लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, यही तो है। चलिए ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पर। अच्छा स्टूडेंट देखिए, अभी ये थीटा के फॉर्म में लगा रहे हैं, हो सकता है कि क्वेश्चन जो है यक्स के फॉर्म में होता, तो जहाँ ये थीटा लिखा जा रहा है उस जगह यक्स लिखा जाता कि नहीं, तो ये सब जो है डजन मैटर है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये सब बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं। देखिए अगर आप जो है शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो 101% है कि आपको आ ही जाएगा, बहुत ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, बस क्या है कि आपको इसमें लगना पड़ेगा, ठीक है, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको सब कुछ आने लगेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप देख रहे हो, बीच से आप छोड़ के चले गए, तो फिर आप नहीं समझ पाओगे सही से, तो यहाँ पर आप समझिएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो देखिए 2i लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, देखिए ये बाहर निकालेंगे तो 0 पाई बाई 2 बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बचा, लॉग साइन थीटा, और प्लस यहाँ क्या बचेगा, लॉग कॉस थीटा, और एक ब्रेकेट के अंदर इसको कर दो, ज़्यादा अच्छा है। पीछे से किसको लगा दीजिए, यहाँ पर थीटा, तो देखिए पीछे थीटा बाहर निकल गया, आगे से ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, ये तो लिखा ही है 0 से पाई बाई 2, अब देखिए log m प्लस log n वाला फार्मूला इसमें अप्लाई हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, log, अब जैसे देखिए m प्लस n रहा है, अभी जैसे m की जगह ये लिखा है और n की जगह ये है, तो भाई लिखा हो log m प्लस log n, तो आप क्या लिखते हो, log mn लिखते हो, उसी तरह हम क्या लिखेंगे फिर, log sin थीटा इंटू cos थीटा लिख देंगे, ठीक है, बाकी यहाँ पर d थीटा तो है ही है। चलिए यहाँ तक तो एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया है। अब इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए 0 से पाई बाई 2 है, ठीक है, यहाँ पर लिखा लॉग, अब इसको स्टूडेंट 2 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई जिसे बोलते हैं, ठीक है बच्चा, और 2 से यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे बच्चा, और यहाँ पर लिख देंगे डी थीटा, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको यहाँ पर समझना होगा, तो इस चीज़ को क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 तो लिखा है। अब देखिए ये स्टूडेंट किस फॉर्म में है, एक काम कर लीजिए, एक काम ये होगा कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का सूत्र होता है बच्चा, और यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, 2 लिखा है, यहाँ पर लिखा है डी थीटा। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा समझने की ज़रूरत है, अगर समझ रहे हो तो, क्या चीज़ समझने की ज़रूरत है भाई, देखिए ये लॉग के बाद एम बटे एन इस फॉर्म में है, ठीक है ना, एम बटे एन, कोई चीज़ बटे में होता है तो माइनस में चला जाता है, आपको पता है ना बातें, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 0 से पाई बाई 2 लॉग एम, एम की जगह कौन है, साइन 2 थीटा है, और माइनस लॉग एन, एन की जगह यहाँ 2 है, ब्रेकेट लगा दीजिए, यहाँ पर डी थीटा लिख दीजिए, जैसा कि यहाँ ऊपर था ही है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करोगे, अब आप जो है इसको ओपन कर दीजिए ब्रेकेट को, तो जब ब्रेकेट ओपन करोगे यहाँ पर तो आएगा 0 से पाई बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, लॉग साइन 2 थीटा, यहाँ डी थीटा, 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पर क्या लिखा है, लॉग 2 डी थीटा है। एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ स्टूडेंट, समझ लीजिए थोड़ा अच्छे से, ये जो लिखा है, अब हमारा टारगेट ये हो जाता है कि जो ये लिखा है वो इक्वेशन नंबर 1 बनाने का हम प्रयत्न करना शुरू कर देते हैं, मतलब ये बनाने की कोशिश करेंगे, इसको इतने को जो देख रहे हो, इतना इतना इतना, इसको क्या बनाएंगे, ये बनाने की कोशिश करेंगे, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन थीटा डी थीटा बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ पर है साइन 2 थीटा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको हमको टी मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, इसको टी मान लें, ठीक है, या इसको हम लेट कर लेते हैं, आई 1 बराबर, अलग से मान लो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, तो यहाँ लेट कर सकते हो, लेट आई 1 बराबर
क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताओ, इसको मान लो तो ये है जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन टू थीटा डी थीटा, हमने इसको मान लिया। तो जब इसको मान लिया तो स्टूडेंट फिर क्या हो जाएगा, ये टू आई बराबर, अब इसकी जगह पे तो क्या हो गया, आई वन हो गया कि नहीं, और यहाँ पर माइनस लॉग टू तो कांस्टेंट है ये, ठीक है, इसको बाहर कर दो। यहाँ पर क्या आएगा, जीरो से पाई बाई टू और यहाँ पर वन बचा, यहाँ डी थीटा हो गया, और स्टूडेंट इसको एक नंबर बना के छोड़ दीजिए। अब चलिए इसको उठाइए, ठीक है, तो यहाँ लिखोगे फ्रॉम वन, वन क्या भाई, आई वन है, तो आई वन बराबर यहाँ पर क्या लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा जीरो से पाई बाई टू और यहाँ पर लिखा लॉग साइन टू थीटा लिखा है स्टूडेंट, डी थीटा। अब स्टूडेंट टू थीटा को हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे, ठीक है, तो लेट करेंगे यहाँ पर, देखो लेट टू थीटा इक्वल टू टी मान लिया स्टूडेंट। अब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा स्टूडेंट, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके, थीटा के, क्योंकि थीटा के फॉर्म में है, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, टू डी थीटा बराबर डी टी, डायरेक्ट कर दिया, या चाहो तो कर दो, ये ना रहे कि किसी आ गया, तो टू है इसके सामने डी अपॉन डी थीटा लगाया, और यहाँ डी, यहाँ इक्वल टू क्या है, देखिए इक्वल टू क्या है, डी अपॉन डी थीटा इसके सामने लगाया किसके, टी के। तो स्टूडेंट देखिए थीटा को थीटा के सापेक्ष जब रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो वन हो जाता है, तो यहाँ केवल टू बचा, और यहाँ पर क्या हो गया, डी टी अपॉन डी थीटा हो गया। अब स्टूडेंट ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू डी थीटा बराबर डी टी आ गया, टू को इधर लेके चले जाओ स्टूडेंट, तो डी थीटा इक्वल टू क्या आएगा, वन अपॉन टू डी टी, क्लियर होंगे, नहीं हो गया, तो चलिए इतना काम तो मैंने कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, अब तो भाई, तो फॉर लिमिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर लिमिट। अब यहाँ पर लिमिट कैसे चेंज करते हैं इसको भी आप थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा, पहले लिखेंगे व्हेन, व्हेन थीटा है ना, थीटा के फॉर्म में है ना ये, तो थीटा लिखेंगे, पहले लोअर लिमिट लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू जीरो, देन टी इज इक्वल टू क्या आएगा, अब इसको कहाँ रखेंगे, अपर लिमिट इसमें रखेंगे जो माने हैं, तो टू इंटू जीरो अर्थात ये आ गया जीरो। अगला देखिए स्टूडेंट क्या है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या रखोगे, अब की बार पाई बाई टू, तो जब यहाँ पाई बाई टू रख दिया स्टूडेंट, देन यहाँ पर क्या होगा, टी इज इक्वल टू टू इंटू पाई बाई टू, तो यहाँ पर आ गया स्टूडेंट पाई। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, लेट भी कर लिया और मान भी लिया, तो स्टूडेंट अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है भाई, इसमें तो क्वेश्चन एकदम हलवा है। अब समझो जैसे कहा जाए कि रायबरेली से जो है क्या लखनऊ जाना है, फिर लखनऊ से जो है और कोई कह दिया जाए, तो भाई जब रोड बेच चल रहा है या ट्रेन चल रहा है तो फिर आराम से आदमी चले जाता है, उसमें कोई आदमी को दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे रायबरेली से अमेठी कहा जाए, ठीक है, या प्रतापगढ़ कहा जाए, तो आदमी फटाफट इधर से उधर चला जाता है, क्योंकि वहाँ उसको माइंड थोड़ी ना लगाना है, वो बैठा साधन पर चला गया क्योंकि यहाँ का साधन है, ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए कि रायबरेली से कोई गाँव के लिए बता दिया जाए और वहाँ के लिए साधन न मिले, तो फिर कितनी दिक्कत होगी ना। तो ऐसे समझो कि यह मत साधन है, आपको इसमें दिक्कत नहीं है, इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप समझिएगा, अब आप यहाँ पर करेंगे क्या, अब ये वैल्यू उठा करके सारी वैल्यू जो है, चलो इसमें सब उठा के पटक दो, माने इसमें रख दो, इसलिए क्या हो जाएगा, आई वन बराबर क्या होगा, देखिए लोअर लिमिट तो आपका जीरो है, लेकिन अपर लिमिट आपका भाई पाई आ गया। इसके बाद यहाँ पर समझिएगा, लॉग भी लिखा है, यहाँ पर साइन भी लिखा है, और टू थीटा को आपने क्या माना है, टी माना है, ठीक है। बाकी डी डी थीटा की वैल्यू क्या निकला भाई, ये निकला है डी टी अपॉन टू निकला है, चलो हमने यहाँ पर रख दिया। एक चीज़ मुझे बताइए ज़रा, ये आ गया। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर सिक्स लगा देंगे, क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टी सिक्स लगाएंगे। प्रॉपर्टी सिक्स क्या कहता है स्टूडेंट, कि अपर लिमिट में टू से डिवाइड करो, क्या करो, टू से डिवाइड कर दो। तो चलो टू से डिवाइड करते हैं, इसमें पाई था, टू से डिवाइड कर दिया, और आगे टू से मल्टीप्लाई कर दो, ये है प्रॉपर्टी नंबर सिक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए मैं बहुत बड़ा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में जब आता है तो बहुत बड़ा करने की आवश्यकता नहीं कि चलो इसको हम एक घंटा चेक करें फिर उसके बाद रखें, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा वही लोग करते हैं जिसके बाद बहुत समय होता है, ठीक है, उनको सवाल से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं है कि आप चेक करो कि यहाँ प्रॉपर्टी नंबर सिक्स ये होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, होल्ड कर जाता है, क्योंकि जब क्वेश्चन उसी तरह बनता है तो होल्ड करता ही करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी नंबर सिक्स में क्या होगा, अपर लिमिट को टू से डिवाइड करोगे और आगे टू से मल्टीप्लाई कर दोगे। और स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा, लॉग
साइन, और यहाँ पर टी लिखा है, यहाँ डी टी अपान टू लिखा है। अब स्टूडेंट टू से टू कट गया, अब ये आ गया कितना स्टूडेंट, आई इक्वल टू आई वन बराबर आ गया जीरो से पाई बाई टू आ गया, और लॉग यहाँ पर क्या है साइन टी डी टी आ गया। अब स्टूडेंट देखिए ये बिल्कुल इसी फॉर्म में हमारा आ गया एकदम सेम टू सेम, बस केवल ये टी के फॉर्म में है और ये किसके फॉर्म में है बताओ, ध्यान दीजिएगा थीटा के फॉर्म में है। तो अगर टी के फॉर्म में है तो हमने आपको बताया कि प्रॉपर्टी नंबर एक लगा करके इसको जो है आप किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसको थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पर लिख देता हूँ यूज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है भाई, जैसे लिखा हो ए बी लिखा है, एफ एक्स डी एक्स लिखा है, तो आप यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर सकते हो ए बी लिख सकते हो और यहाँ पर एफ थीटा डी थीटा आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। तो स्टूडेंट चलिए कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर जगह नहीं है तो लाइन खींच दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको कि हाँ यहाँ पर गुरुजी ने क्या किया है। तो यहाँ पर आ जाइए, देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई वन बराबर ये क्या हो गया जीरो से पाई बाई टू, और यहाँ लॉग साइन थीटा डी थीटा आ गया भाई। ये देखिए टी के फॉर्म में था हमने कर दिया, और ये वैल्यू किसकी है देखिए स्टूडेंट, ये आई की वैल्यू है, देखो इधर लिखा है ना इसमें, तो हम क्या लिख सकते हैं आई वन बराबर आई लिख सकता हूँ। तो अब आ जाइए हम कहाँ पर आ जाएंगे, देखिए आई वन इसको हम सोल्यूशन कर लिया, आई वन की वैल्यू तो हमने कहीं माना होगा थ्री नंबर माना होगा, ठीक है। तो जब चलते चले आए थे ठीक है, तो आई वन बराबर इसको किए थे तो आई वन टू तो माने तो इसको थ्री मानना चाहिए था, ठीक है वन टू थ्री, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम थ्री, फ्रॉम थ्री, अब थ्री में क्या होगा स्टूडेंट, चलो वैल्यू रखते हैं और क्या होगा, तो यहाँ लिखा जाएगा क्या था टू आई था ना इसमें टू आई, तो बराबर क्या लिखा था आई वन, और आई वन की वैल्यू क्या निकला भाई वन निकला है, माइनस लॉग टू लिखा है, और देखिए वन का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है, बहुत आसान, थीटा के रिस्पेक्ट में वन का इंटीग्रेट थीटा ही होगा, ठीक है वन थीटा, इसलिए वन थीटा होगा, अगर टू थीटा होता तो क्या होता भाई टू थीटा हो जाता और क्या होता। और देखिए जो लिमिट है वो यहाँ पर लिख दी हमने कि नहीं, अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसको इधर लेके चले आएंगे, तो टू आई माइनस आई हो गया, यहाँ पर माइनस का देखिए लॉग टू लिखा है, अब अपर लिमिट पहले यहाँ पर रखेंगे तो पाई बाई टू आया, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, अब टू आई में से आई निकलेगा तो केवल आई बचेगा, अब वह पाई बाई टू को हम आगे लिख लेंगे स्टूडेंट, तो पाई बाई टू आगे आ गया ठीक है, और यहाँ पर लॉग टू आ गया। और देखिए स्टूडेंट देखिए ये चीज़ आ गई नहीं आ गया, देखिए ये बन गया, यही चीज़ आई नहीं आया, देखो ये है, और अगर आप इसको लाना चाहो तो कुछ नहीं करेंगे स्टूडेंट, देखिए माइनस यहाँ पर है, जब माइनस को चाहे तो हम यहाँ ले जाके, जब यहाँ से माइनस हटेगा तो माइनस कहाँ जाता है बताइए, ये टू के ऊपर चला जाता बेटा, टू के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर माइनस वन भी तो छिपा है, तो ये जब जाएगा तो टू के ऊपर चला गया ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा पाई बाई टू और लॉग, अब ये देखिए वन टू की पावर माइनस वन है तो इसको हम नीचे ले जाएंगे अपॉन में तो प्लस का टू हो जाएगा, तो देखिए आ गया ये चीज़ जो लिखा है, और बेस में यहाँ पर तो ई छिपे रहता है ना स्टूडेंट, हमारा यही क्या हो गया राइट हैंड साइड हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, देख लीजिए इसमें कहीं पर भी आपको एक भी चीज़ का कोई भी मिस्टेक नहीं, बढ़िया से अच्छे से आपको ये तैयार हो जाना चाहिए। बोर्ड में तो ये समझ लो बम्फर तरीके से पूछा जाता है, तो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।